लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्या ये चिट्ठी है? चिट्ठी पढ़ा? मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना और ना ही पुलिस में खबर करना, नहीं तो मेरी जान चली जाएगी। आपकी बेटी कौन हो सकता है? मनु, तेरे घर में फोन की घंटी बज रही है। हेलो, कौन बोल रहा है? रघुवीर यादव नाम है मेरा। आखिर तुम चाहते क्या हो? अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब तो चाहोगे तुम, क्योंकि तुम्हारा बच्चा इस वक्त मेरे कब्जे में है। बच्चा तुम्हारे कब्जे में? हराम दादे, वो मेरा बच्चा है। तुम कौन हो? मैं भरत भटनागर बोल रहा हूँ, और अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ ना तो मैं तुझे जान से मार लूंगा। हेलो हेलो, छुरा। हुक्म कीजिए सेठ जी। तुम जिस बच्चे को उठाकर लेकर आए हो वो उस जासूस का नहीं है, उसके दोस्त का है। You're wrong! तलवार सिंह छुरे ने खुद उस जासूस के घर से उस बच्चे को किडनैप किया है। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? नहीं, यही हुआ है। अगर तुम उस जासूस के बच्चे को उठाकर नहीं लाए तो मैं तेरा सर काम कर दूंगा। सेठ जी, आपको मालूम है मैं सर अलग टाइप का आदमी हूं। जाओ। ओके ओके। अरे क्या करें, सब लोग बच्ची को ढूंढ रहे हैं, सब लोग परेशान हैं। अब तो सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, पुलिस की मदद से बच्ची को ढूंढा जाए। हाँ, कोई जरूरत नहीं है, इस घर से उसे ढूंढने कोई नहीं जाएगा। अरे कैसी बातें कर रही हो, उधर बच्ची की जान खतरे में। और क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा वो उसे मार डालेंगे, यही ना? वैसे भी वो इस घर में रहने के काबिल नहीं थी, मर ही जाए तो अच्छा है। गाय जैसा मेरा बेटा था, उसे भी बिगाड़ के रख दिया। सत्यानाश जाए उसका, अरे ऐसे कीड़े पड़ेंगे। क्या कहा? आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अरे बापे, बचाओ, 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 ये नहीं, पागल तुम हो गई हो, पागल खाने तुम्हें भेज देना चाहिए। पिताजी देखा आपने, इन्होंने मुझ पे हाथ उठाया, मुझ पे। शाबाश बेटा, आज बना है तू मर्द, अब जवाई बना है मेरा, जीते रहो। आज तक इस घर में मैं सर झुकाकर जीता रहा ताकि इस घर की शांति बनी रहे, लेकिन तुमने तो मुझे नामर्थ ही बना दिया था। आज मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं कि जो आदमी सर झुका लेता है वो नामर्थ नहीं हो जाता। भरत और प्रिया ने कोई गलत काम नहीं किया, कसूरवार तो मैं हूं। अस्पताल में जब मैंने भरत के हाथ में उस बच्चे को देखा तो तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए मैंने उसके हाथों से उस बच्चे को छीन लिया, ये भी नहीं पूछा कि बच्चा किसका है। तुम्हारी जिंदगी तो बच गई, लेकिन इन बेचारों की जिंदगी नरक से भी बदतर हो गई। मैं पूछता हूं क्या फर्क है बेटा और बेटी में? आजकल के युग में बेटियों को बोझ नहीं माना जाता, वो मर्द के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की ताकत रखती है। ऐसा कौन सा काम है जो एक बेटा कर सकता है, बेटी नहीं कर सकती? दुनिया की तुम पहली औरत हो जिसे औरत जात से नफरत है। तुम औरत नहीं, औरत के नाम पर कलंक हो। अरे बेवकूफ, आज मैं तुझे बताता हूं बेटा और बेटी में क्या फर्क होता है। सन इज द सन टिल ही गेट्स हिज वाइफ, डॉटर इज द डॉटर टिल द एंड ऑफ लाइफ।
बेटा तब तक बेटा है जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती। बेटी जिंदगी भर बेटी रहती है। आजकल के युग में बेटियों को बोझ नहीं माना जाता, वो मर्द के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की ताकत रखती है। ऐसा कौन सा काम है जो एक बेटा कर सकता बेटी नहीं कर सकती। दुनिया की तुम पहली औरत हो जिसे औरत जात से नफरत है। तुम औरत नहीं, औरत के नाम पर कलंक हो। चुप, रोया तो दांत तोड़ दूंगा, मैं जरा अलग टाइप का अंकल हूँ। अबे छोरा, ये क्या किया तूने? इतने सारे बच्चे क्यों उठा के लेके आया? सेठ जी, आप तो जानते हैं मैं जरा अलग टाइप का आदमी हूँ। अब तलवार सिंह छुरा को कोई बेवकूफ नहीं बना सकेगा। मैं खुद पता कर लूंगा कि इन बच्चों में जासूस का बच्चा कौन सा है। अच्छा, इन बच्चों को पूछकर बताएगा? नहीं सेठ जी, मेरे पास एक बच्चा और है। ए, बच्चे को लेकर आओ। चुप, दांत तोड़ दूंगा। चल बताओ उस जासूस का बच्चा कौन सा है? पालने में है। वो तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन कौन सा है? बताता हूँ, बताता हूँ। ये 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 झूठ बोला, नाक काट दूंगा। ये नहीं है, ये उधर उधर। ये है, ये ठीक से देख। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये नहीं मानेगा। मैं अलग टाइप का आदमी हूँ। बंद कर दो डांबर खोली में। कब से कह रहा हूँ पुलिस में कंप्लेंट करो, मेरा कोई सुनता ही नहीं। करूँ तो क्या करूँ? देखो छोटा गया ढूंढने, वो ढूंढ कर लाएगा। धीरज रखो, बच्चे मिल जाएंगे। सेठ जी, अब तक हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। अब तक हमें ये पता नहीं चला है कि इनमें से जासूस का बच्चा कौन सा है, लेकिन मेरे पास एक पैंतरा है। क्या? हमारे पास एक बच्चा और है, यानी कि बच्चा लाल। हम उस बच्चा लाल को यहाँ से फरार होने का मौका देंगे। वो जाएगा अपने घर और इन बच्चों के बापों को अपने साथ यहाँ लेकर आएगा। फिर हम चुप जाएंगे। फिर जब वो अपने अपने बच्चों को उठा रहे होंगे, हमें पता चल जाएगा कि इनमें जासूस का बच्चा कौन सा है। कैसी रही तलवार सिंह छुरा की धार, यानी कि आइडिया। राम भैया, राम भैया, लच्छू भैया, बाबूजी, बाबूजी, क्या हुआ? क्या हुआ? बच्चे कहाँ हैं? बच्चे कहाँ हैं? मुझे मालूम बच्चे कहाँ हैं। अरे बच्चे कहाँ? मुझे मालूम बच्चे कहाँ हैं। मेरे साथ चलो चलो। सेठ जी, सेठ जी, सब लोग आ गए। सेठ जी, देखा मेरे कमाल का आइडिया? हे बॉयज, कम ऑन, छुप जाओ। ये क्या हो रहा है छुरा भाई? ये चक्रव्यूह है, चक्रव्यूह। चक्रव्यूह? हाँ। तो फिर मैं अभिमन्यु बन के इस चक्रव्यूह को तोड़ दूंगा। अभिमन्यु तो चक्रव्यूह में मर गया था। चलो चलो, रुक जाओ। तुम सब लोगों को अपने अपने बच्चे मिल गए, चलो 9-2-11 हो जाओ यहाँ से, चलो। लेकिन ये जासूस यहाँ से नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? अगर किसी ने भी इस जासूस को बचाने की कोशिश की तो ये छुरा एक एक पेट में घुसार दूंगा। ए जासूस, तू हिलना नहीं, ब्लैक शर्ट, चल तू निकल। हाँ हाँ, जा रहे निकल? जा रहे जा रहे। मैं? अबे चल ना, अपना काम कर, हम लोग अपना बच्चा बचाएंगे, तुझे बचाएंगे। चल 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 चलो। साला, तू क्या समझता था बच्चों की अदला बदली करके तू मुझे चूना लगाएगा? अरे मेरा नाम रघुवीर यादव है, यादव। ला बच्चा ला। नहीं दूंगा। मैं कहता हूँ बच्चा ला। अरे अरे ये तो गुड़िया है, मेरे साथ धोखा। पकड़ो उन सबको, कोई भाग नहीं पाए। जाओ जल्दी जल्दी जल्दी। राम भैया, आप बच्चों को लेकर चलिए, मैं मल्लू को देखता हूँ। Thank you.
क्यों 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 ये तो मैंने भी नहीं सोचा। तो सोच। लबड़ा लबड़ा लबड़ा, अबे सीढ़ी चढ़ते चढ़ते मैं तो थक गया। मैं वहां क्या खा रहे हो? करमचंद जासूस गाजर खाता था, मैं मुलायम चंद जासूस हूँ, मूली खाता हूँ, घुसेड़ता भी हूँ। अभी तो मैंने मुंह में घुसेड़ा है, आइंदा मेरे को मिला ना तो मेरा धर्म भ्रष्ट मत करना, समझे? इसमें कौन था? मैं। तू था? ऊपर से माइकल कट और अंदर से सफाचट। डैडी गोली मार इसको। नहीं, इस जोकर के लिए मैं गोली जाया नहीं करूंगा, इसको मैं आगे से नहीं पीछे से मारूंगा। इसे पुलिस के हवाले कर देते हैं, मेरे जासूस नंबर। चलो 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 जल्दी जल्दी, शाबाश शाबाश शाबाश, दुर्गा देखो सब बच्चे आ गए। और चलो चलो शाबाश 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 शाबाश, चलो 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 शाबाश चलो चलो। क्या बात है बेटा, तुम वहां क्यों खड़े हो गए? चलो तुम भी अंदर चलो। नहीं डैडी, अब हम दोनों इस घर में नहीं रहेंगे। क्यों? मम्मी को पोता चाहिए था ना, और हम लोग उन्हें पोता नहीं दे सके, और वैसे भी जिस घर में बेटियों की इज्जत नहीं हो, अब हम दोनों वहां नहीं रहना चाहते। बस बेटा बस, मुझे और शर्मिंदा मत कर, मैं अपने किए पर पछता रही हूँ। मैं तेरे पास मम्मी हूँ। क्या कर रही हो? मुझे माफ कर दे बेटा, माफ कर दे। आज से मेरी ये गुड़िया अपनी दादी के साथ रहेगी। राम भैया, शोभा भाभी घर के पिछवाड़े उल्टियां कर रही है। क्या? हाँ। लगता है भगवान ने मेरी अपील सुन ली। मम्मी, इस बार जरूर लड़का होगा। लड़का हो या लड़की, अब मेरे लिए दोनों बराबर है। मुझे पता चल गया है कि बेटी नंबर 1 होती है। अरे ये हुई ना बात।